पैसा नहीं और कहीं अनाज आ रहा है तो उसमें भी वो लक्ष्मण जैसे लूट लूट के खा रहे। मैंने चैलेंज दे रखा, अगर जिस दिन खराब हुआ कलाती का दिमाग उस दिन भारत का नक्शा मान देगी। ज्यादा कहीं नहीं कर सकते, नहीं तो लक्ष्मण नायक कहाँ लक्ष्मण नायक। जब नौकरी मेरे कारण छोड़ी थी उसको मैंने अंधार काज भेजा था, कपड़े उतरा के दौड़ाया था, वो लक्ष्मण है नौकरी छोड़ के नेतागिरी कर रहा। और मैं हमारे सभी संगठन और सांसद को घुसने मत दो, अगर वो इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा तो सांसद का भी घेराव करो और वो लक्ष्मण लांडे का भी। क्या है दो कोड़ी का आदमी, मैं तो सीधा आरोप लगाऊं ऐसे पे। एक मास्टर आदमी छोड़ के नौकरी छोड़ के बड़ा नेतागिरी। पप्पू भाई के यहाँ रोज हाजिरी पुराता था, 500 रुपये के लिए बैठा रहता था पेट्रोल के लिए, और आज तू उसी पे वार कर रहा। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और जितनी हमारे नेता कोई बीजेपी का आदमी और वो लक्ष्मण नायक को दिख नहीं रहा, ये गाने भर के कहाँ जा रहे हैं यहाँ के आदिवासी। जब भुड़िया जी सांसद थे तो दिल्ली से लड़ झगड़ के करोड़ों रुपए लाके देते थे हमको, 100-100 करोड़ 200 करोड़ आते थे। हम हर पंचायत में काम चलाया हमने, तालाब ने रोड ने सरपंचों को दबाव बनाते थे कि काम नहीं करोगे तुम्हारी पैसी लगाएंगे, हम घबराते थे सरपंच। और आज हमारे सरपंच काम करके बैठे, एक पैसा नहीं है, मजदूर के हाथ में मजदूरी नहीं, सरपंच के हाथ में पैसा नहीं, और कहीं अनाज आ रहा है तो उसमें भी वो लक्ष्मण जैसे लूट लूट के खा रहे। वहां से कमीशन, वहां से टीआई किसको बिठाना, बीओ किसको बिठाना, सीओ किसको बिठाना, दो दो हाथे लूटने में लगे लिए सब नेता। अब क्या नाम लो, वीर सिंह काका ने अच्छे से इंस्टॉल करके बता दिया आपको। अब ऐसे के हाथ में अगर सरकार अपन दे देंगे और क्षेत्र दे देंगे तो आज क्षेत्र का विकास रुक गया पूरी तरह से। आज अगर भुड़िया जी होते तो दिल्ली में लड़ा लड़के अपन को काम लाके देते, और ऐसा आदमी एसी में बैठने वाला लाके दे दिया, जनता गुमराह हो गई और धोखे में वोट दे दिया। आज वो लाने की तो बात करता ही नहीं, एक पुलिया नहीं, एक खरीदा नहीं, एक तालाब नहीं, एक रोड नहीं मांग रहा वो, और नारियल फोड़ने गाड़ी में नारियल रख के दौड़ता आया था उधर जोबड़। मैंने नारियल फोड़ दिए, कुछ भुड़िया जी के साथ में नारियल फोड़े हमने, कुछ मैंने फोड़े, वो पीछे पीछे नारियल फोड़ने वो गया। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ, सांसद महोदय लेटर कब लिखा था बताओ, ये काम हमारे मंजूर करेले है, हमारे कमलनाथ साहब के मंजूर करेले थे, भुड़िया साहब के पछता थे वो काम आ रहे, पर आप गए जब से कितने लेटर लिखे जनता को बताओ तो सही। इस लोकसभा के लिए आप क्षेत्र के लिए क्या क्या लिखा, भुड़िया जी ने बिजली भी ला के गाँव गाँव दिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण में इतने खंबे आए थे बिजली गाँव गाँव हो गई, आज एक खंबा नहीं मिल रहा, बिल लेके दौड़ रहे लोग। सोसाइटी में देखे हालत खराब, पर्चियां नहीं निकल रही तो कहीं आधार मांग रहे, लिंक फेल हो गए, फलाना हो गया। तो हमारे सारे कार्यकर्ता से मेरा अनुरोध है कि हम इनके ऊपर निगाह रखें, इनके ऊपर निगाह क्यों नहीं रखे हम। हर क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता बेटा, सोसाइटी में जाइए आप और पूछो कितना माल आया, कितना दे रहे, तोलो थैली पकड़ के, कुछ लोगों ने तोला तो माल कम पकड़ाया, वो जान खुदे नहीं, और खुदे तो बीजेपी वालों के खुदे। मशीन का ऐसा इलाज कर दे कि मशीन का रखोड़ा उठा के ले जाए, ऐसा इलाज कर दो, नहीं माने खोदे क्या होगा, ऐसे केस से कौन डरता है यार। माँ के पेट में से निकल के आगे जेल में से नहीं निकलाएगा क्या, किस बात का डर है। एक आदमी सड़ा सा हमको इतना आग दिखा रहा, गो पूरे लोकसभा महाकार में चला। मैंने चैलेंज दे रखा, अगर जिस दिन खराब हुआ कलाती का दिमाग उस दिन भारत का नक्शा मान देगी, बोल रखा मैंने। मैं भुड़िया जी को भी अनुरोध कर रही हूँ बार बार, मेरे को एक बार छूट दे देना आप उसको सिखाने के लिए, क्योंकि आपके कारण हम कुछ, आपने इतना रखा है इसलिए हम आपके बच्चे, हम कहीं आगे ज्यादा कहीं नहीं कर सकते, नहीं तो लक्ष्मण नायक कहाँ लक्ष्मण नायक। जब नौकरी मेरे कारण छोड़ी थी उसको मैंने अंधार काज भेजा था, कपड़े उतरा के दौड़ाया था, वो लक्ष्मण है नौकरी छोड़ के नेतागिरी कर रहा। और मैं हमारे सभी संगठनों से अनुरोध करूं, उसके ऊपर मुकदमा कायम है, दिला बदल है। आप एसपी कलेक्टर को आप मिलिए, आप दबाव बनाए,
जब हमारे लोगों के ऊपर वार कर रहा है उसको क्यों नहीं कर रहा है? पैसा उगरा रहा, धमका रहा, रिपोर्ट डलवा रहा, कायमी करवा रहा, तो इसके खिलाफ कायमी है। हमारा कार्यकर्ता होता तो भी कब से चला जाता जी? तत्काल इसको पद से हटाया जाए, मांग करना चाहिए। वो नहीं हटाए तो फिर हम फिर इसके घेराव करेंगे हम तगड़ा। ये प्रशासन जब ऐसी कार्रवाई कर रहा, ये तोड़ रहा, वो तोड़ रहा, मैं अनुरोध कर रही हूं तीनों विधायक से, जिला कांग्रेस और सभी से, अगर इस तरह से कार्रवाई होती गई और किसी कार्यकर्ता पे, किसी सरपंच पे कार्रवाई होती है तो आप लोगों को आक्रमण होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। 15 साल हमने भी चलाए यही कलेक्टर, आईएएस ना आईपीएस, तब तो कोई बोलने वाला नहीं था। आज हम 3 विधायक, उसके बाद भी हमारे पे हावी होइला प्रशासन। देखेंगे शिवराज सिंह का कितने फोन आएगा, आ जा तो यहाँ हेलीकॉप्टर उतार दे, क्या बिगाड़ेगा हमारा? इसी तरह से रहा तो शिवराज सिंह को और सांसद को घुसने मत दो। अगर वो इस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा तो सांसद का भी घेराव करो, और वो लक्ष्मण लांडे का भी। क्या है, 2 कोड़ी का आदमी, मैं तो सीधा आरोप लगाऊं ऐसे पे। एक मास्टर आदमी छोड़ के, नौकरी छोड़ के बड़ा नेता करी। पप्पू भाई के यहाँ रोज हाजिरी पुराता था, 500 रुपये के लिए बैठा रहता था पेट्रोल के लिए, और आज तू उसी पे वार कर रहा। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, और जितने हमारे नेता है, किसानों को भरगरा रहे ये खाते में पैसे डाल रहे करके। बुढ़िया जी खाते में पैसे कितने आए आपको सब पता है? और जो फसल बीमा वो मोदी फेंकू के 3-3 रुपये आए मेरे क्षेत्र में। तो मैंने पूछा बीड़ी पीने वाले को, दादा बीड़ी कितने में आती? तो वो कहते नानी 30 रुपये की आ रही, वो 27 नंबर की कौन सी। तो मैंने कहा फेंकू 3 रुपये दे रहा, बीड़ी पीने आ रही। तो माधो भाई उठ के भागा। फिर मैंने कहा दादा कहा है 3 रुपये, क्या करेंगे 3 रुपये फसल बीमा, और अपना पैसा कितना काट रहा, फसल बीमा 3-3 रुपये मिले। तो मजाक उड़ रही, अपने साथ सब काम धंधा सब चौपट हो गया। तो इसलिए उठना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। आज ही मीटिंग जिला कांग्रेस ने रखी जगाने के लिए हमारे पूरे संगठन को, नेता को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे आज यहाँ बुलाया, आज बोलने का भी मौका दिया, क्योंकि टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं आने की कोशिश करती हूँ, सबसे ज्यादा बात भी करती हूँ फोन से। हम कोई दूर नहीं है, अलराजपुर से हम दूर नहीं है। ये मिलन समारोह रोकने वाला कौन होता है? ये मेरे यहाँ देख के आया एसडीएम ने कलेक्टर, है आ जाए जरा उस दिन बता दूंगी। टेन के ये उखाड़ के थोकेंगे, फाड़ देंगे फांसरे जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा नहीं को दिमाग खराब होता फिर।